नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अरुणेंद्र सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के सभी टॉपिक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट्स एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अभी अगर आपने हमारे वीडियो देखे हों तो हिस्ट्री के टॉपिक्स मिस्टर आदित्य प्रकाश मिश्रा सर द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। इस टॉपिक्स में, इस वीडियो लेक्चर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपको याद करने में भी बहुत इजी होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, और अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज की डेली करंट अफेयर की। ओके, तो 22 और 23 अक्टूबर की करंट अफेयर को मैंने कुल चार भागों में डिवाइड किया है, स्पोर्ट्स न्यूज, मिसलेनियस न्यूज, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम जानेंगे रोहित शर्मा से रिलेटेड घटनाएं क्या घटित हुई, वीवो प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, डेनिस ओपन 2019 में क्या हुआ और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 में किसने गोल्ड मेडल जीते। मिसलेनियस न्यूज़ में हम जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम, बहुत ही फेमस टॉपिक है। ओल्डेस्ट पर्ल यानी सबसे पुराना मोती की खोज हुई है, वो कहाँ हुई है, क्या नाम है, भीम ऐप का नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ है उसके बारे में जानेंगे। सिंधु सुदर्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारत की दृष्टिकोण से, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और ओजोन होल, अभी नासा ने ओजोन होल फाइंड आउट किया है, इसके बारे में जानेंगे, कहाँ फाइंड आउट किया है, कितना क्या साइज़ था, तो इसकी डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स की ओर, तो BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, SSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि हम लोग डिटेल में जानेंगे। अवार्ड्स में एशियन एकेडमिक अवार्ड 2019 और पीपल्स आइकन अवार्ड 2019 के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की पहली इंपॉर्टेंट घटना की ओर। तो पहली इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ है, अभी हाल ही में किस क्रिकेट प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट एवरेज का रिकॉर्ड बनाया। तो भारत के ओपनर बल्लेबाज बैट्समैन रोहित शर्मा ने हाईएस्ट एवरेज का रिकॉर्ड बनाया है और उनका हाईएस्ट एवरेज है 99.84। इसी रिकॉर्ड के साथ रोहित शर्मा ने क्रिकेट के लीजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ऑफ 98.22 का 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रैडमैन का ये रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, लेकिन भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट एवरेज 99.84 का रिकॉर्ड बनाकर ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 अवार्ड लिस्ट। तो अवार्ड लिस्ट को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का फाइनल मैच किसके बीच में हुआ। तो फाइनल मैच दबंग दिल्ली की टीम और बंगाल वॉरियर के बीच में हुआ और इस मैच में बंगाल वॉरियर ने दबंग दिल्ली को 39 और 34 के पॉइंट डिफरेंस से हराकर वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब जीत लिया। तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब किसने जीता, बंगाल वॉरियर ने। याद कर लीजिए, बंगाल वॉरियर ने दिल्ली दबंग को 39-34 के पॉइंट डिफरेंस से हराकर वीवो प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला। तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड दबंग दिल्ली के रेडर नवीन कुमार को दिया गया। बेस्ट रेडर का अवार्ड बेंगलुरु बुल्स के रेडर पवन कुमार सिरावत को दिया गया। ये हैं नवीन कुमार, इन्हीं को मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का अवार्ड दिया गया। ये हैं पवन कुमार सिरावत की फ़ोटो, इन्हें ही हाई फ्लायर भी कहा जाता है और इनके नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज है कि किसी भी सिंगल मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाने का रिकॉर्ड भी पवन कुमार सिरावत को है और इसी वजह से पवन कुमार सिरावत को बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट रेडर का अवार्ड पवन कुमार सिरावत को दिया गया। आगे बढ़ें, तो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसे दिया गया। तो बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड यू मुंबा के डिफेंडर फजल अत्रेचली को दिया गया और
इस सीजन के सबसे यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है सुमित को, जो कि यूपी योद्धा के डिफेंडर हैं और इनकी उम्र 18 वर्ष थी। ये फतर अतरचली की फ़ोटो है, तो फतर फजल अतरचली को बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड दिया गया और ये अपनी टीम यू मुंबा के कैप्टन भी हैं। ये हैं सुमित, जिनकी उम्र 18 वर्ष है और इसी वजह से इनको न्यू यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया था। ये यूपी योद्धा के डिफेंडर प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। किस भारतीय साइक्लिस्ट ने 2019 एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में पुरुषों के जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? उनका नाम है रोनाल्डो सिंह। रोनाल्डो सिंह ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2019 में पुरुषों के जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, 2019 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसी को डेनिस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता भी कहते हैं, किसने जीता? तो मेंस सिंगल डेनिस ओपन 2019 का खिताब जापान के केंटो मोमोता ने जीता और वुमेन्स सिंगल डेनिस ओपन 2019 का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता। तो याद कर लीजिए, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, केंटो मोमोतो मेंस सिंगल डेनिस ओपन टाइटल और नोजोमी ओकुहारा वुमेन सिंगल डेनिस ओपन 2019 का टाइटल जीता। आगे बढ़ें तो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़, 7th CISM वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाने वाले आनंदन गुणसेकरन किस खेल से संबंधित हैं? तो आनंदन गुणसेकरन पैरा एथलेटिक गेम से संबंधित हैं और पैरा एथलीट आनंदन गुणसेकरन ने 100 मीटर तथा 400 मीटर की रेस में 2 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए। आइए जानते हैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम 2019 कहाँ आयोजित हुए। तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 वुआन चाइना में हुए और इसी वर्ल्ड मिलिट्री गेम 2019 में 2 गोल्ड मेडल भारत को आनंदन गुणसेकरन ने दिलवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2019 कहाँ हुए और किसने जीता? तो ITF वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2019 लागोस नाइजीरिया में हुआ और यह टूर्नामेंट रिया भाटिया ने स्लोवेनियन की प्लेयर नस्तजा कोलार को हराकर जीता। आगे बढ़ें तो वायुसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप अभी से पहले से इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो वायुसेना द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 21 और 22 अक्टूबर को किया गया। आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान और ज़मीन से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की NPO और भारत के DRDO के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस किन दो संस्थाओं के बीच की एक संयुक्त उपक्रम है? तो रूस की NPO और भारत के DRDO के बीच की एक संयुक्त उपक्रम है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नामों को जोड़कर बनाया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी को के नामों को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है। तो भारत की नदी ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया गया है और रूस की नदी मॉस्कोवा से ओस्क लिया गया है और मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिसाइल है भारत की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आगे बढ़ते हैं। तो ये दो फोटोज़ हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, ये ज़मीन से ब्रह्मोस मिसाइल को प्रक्षेपित करने का इक्विपमेंट है जिसमें लोगो चाइना और भारत दोनों का बना हुआ है, बीच में ब्रह्मोस लिखा हुआ है और ये फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल को प्रक्षेपित करते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ें तो 8th इम्पॉर्टेंट मिसलिनियस न्यूज़, अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2019 को किस राज्य ने परिवार में 2 से अधिक बच्चे होने पर लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया है? तो असम वो पहला राज्य है जिसने
परिवार में दो से अधिक बच्चे होने पर लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया है और यह नियम 1 जनवरी 2020 को लागू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP में भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए फीड आवर फ्यूचर प्रोग्राम लॉन्च किया है और यह प्रोग्राम महाराष्ट्र के फेसबुक मुंबई ऑफिस से लॉन्च किया गया है। फीड आवर फ्यूचर प्रोग्राम भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए लॉन्च हुआ है, कहाँ से? महाराष्ट्र फेसबुक मुंबई ऑफिस से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी हाल ही में 22 अक्टूबर 2019 में हुई खोज, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मोती, सबसे पुराना मोती का क्या नाम है और वो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सबसे ओल्डेस्ट मोती जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में प्राप्त हुआ है और इसी वजह से इस मोती का नाम आबू धाबी पर्ल यानी आबू धाबी मोती रखा गया है। यह मोती 5800 से 5600 BC के काल का ज्ञात हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़, 22 अक्टूबर 2019 में नए फीचर के साथ भीम ऐप का कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ? तो भीम ऐप का नेक्स्ट वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल ऐप, तो BH से भारत, I से इंटरफेस और M से मनी, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, और मोबाइल ऐप तो है ही है हमारा, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल ऐप इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप। आइए जानते हैं भीम ऐप के नए फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस ऐप में एक डोनेशन गेटवे उपलब्ध है। डोनेशन गेटवे मतलब भारत के शहीदों को डोनेट करने के लिए या बाढ़ पीड़ितों के लिए हम कुछ भी डोनेट कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट अपग्रेडेशन किया है भीम ने। आगे बढ़ते हैं तो यूज़र्स को अब भीम ऐप पर मर्चेंट की ओर से ऑफ़र भी मिलेगा। मर्चेंट बोले तो जैसे कि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इनके द्वारा आपको ऑफ़र भी मिलेंगे अब भीम ऐप पे। अब उच्च मूल्य के लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। मतलब कितना बढ़ा दिया गया है? तो अगर मर्चेंट यूज़र हैं जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो मर्चेंट यूज़र के लिए पर मंथ ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 1 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 1 लाख मर्चेंट यूज़र के लिए, और जनरल यूज़र के लिए हो गई है पर मंथ 40,000 ट्रांजेक्शन लिमिट हो गई है। एक मंथ में आप 40,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं भीम ऐप से। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यह ऐप पहले से 13 भाषाओं में उपलब्ध था, इसके बावजूद भी इसमें कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी भाषा को भी जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीम ऐप में कौन सी नई भाषाओं को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है? एक ऑप्शन दे दिया गया होगा, कोंकणी दिया गया होगा या भोजपुरी दिया गया होगा या हरियाणवी दिया गया होगा या दो दिया होगा और नीचे लिखा होगा दोनों ही, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट में भीम ऐप का डेवलपमेंट किसने किया और ये कब लॉन्च हुआ? तो भीम ऐप का डेवलपमेंट NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भीम ऐप से रिलेटेड मैंने कवर कर दी हैं, पढ़ लीजिएगा और इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में KB सिदया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? KB सिदया एक्चुअली में दर्शन शास्त्री और लेखक थे और एक काव्य रचनाएँ भी इन्होंने की हुई हैं। ये फ़ोटो है, दोनों ही चेहरे KV सिदया जी के हैं और इन्हीं को लेखक और दर्शन शास्त्री से स्फेयर से जुड़े हुए थे। और दर्शन शास्त्री और लेखक KV सिदया का निधन बेंगलुरु में हुआ और ये दलित संघर्ष समिति के संस्थापक भी थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलित संघर्ष समिति के संस्थापक कौन थे? तो KV सिदया, इंपॉर्टेंट है न्यूज़। और एक इनका निधन कब हुआ? 22 अक्टूबर को हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ और ये लेखक और दर्शन शास्त्री। सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं मैंने, आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम से। नेक्स्ट है सुदर्शन चक्र वाहिनी, या फिर इसी को बोला जाता है सिंधु सुदर्शन नाम रखा गया है।
ये क्या है? तो सिंधु सुदर्शन या सुदर्शन चक्र वाहिनी जैसलमेर राजस्थान में आयोजित भारतीय सेना का एक युद्ध अभ्यास है, और यह युद्ध अभ्यास 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2019 के बीच भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित कराया जाएगा। और इस युद्ध अभ्यास में थल सेना और वायुसेना दोनों भाग ले रही हैं, और दोनों मिलकर के एक रणनीति बनाएंगी युद्ध करने के लिए। उसे सिंधु सुदर्शन कहा गया है। ये भारत की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, अभ्यास है, और एक रणनीति है जो आगे किसी भी युद्ध में यूज़ की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। 14th इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ओजोन होल का सबसे छोटा आकार कहाँ प्राप्त हुआ या दर्ज किया गया? तो अभी नासा के अनुसार हाल ही में दक्षिणी ध्रुव में ओजोन होल के सबसे छोटे आकार को दर्ज किया गया। ओजोन होल का सबसे छोटा आकार जो अभी तक मिला है वो है 3.6 मिलियन मील वर्ग दर्ज किया गया है। जबकि जब 2006 में जब ओजोन होल प्राप्त हुआ था तो उसका आकार था 10.3 मिलियन वर्ग मील। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, 2006 के हिसाब से देखा जाए, तो ये बहुत छोटा, सबसे छोटा आकार है ओजोन होल का जो कि दक्षिण ध्रुव में प्राप्त हुआ है। और जानते हैं ओजोन होल के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। तो प्रतिवर्ष सितंबर व अक्टूबर में ओजोन होल अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, सबसे बड़ा साइज हो जाता है। कहाँ से, किस माह में? सितंबर और अक्टूबर में ओजोन होल का साइज सबसे बड़ा होता है, तथा दिसंबर के अंत तक ये गायब हो जाता है। हालांकि इसके पीछे रीजन क्या है ये अभी नहीं फाइंड आउट हुआ है, पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है और इस पर अभी खोज चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का विकास किया है? तो यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में भी लंदन के क्वीन मैरी संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसी डिवाइस का विकास किया है जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर सकती है, जैसे कि सोलर पैनल। लेकिन सोलर पैनल से हम सिर्फ सनलाइट यानी कि सूर्य की एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, पर इस डिवाइस के थ्रू सारी रीन्यूएबल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है विज्ञान के लिए। और ये पूछा जाएगा कि किस संस्था ने, तो संस्था की बात की जाएगी तो आता है क्वीन मैरी संस्था, और किस देश ने, तो यूनाइटेड किंगडम। अगर शहर की बात आती है तो लंदन के, तो यूनाइटेड किंगडम में लंदन के क्वीन मैरी संस्थान ने एक रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का निर्माण किया है जिसके द्वारा हम सारी रीन्यूएबल एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ें नेक्स्ट 16th मिसलेनियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो NCERB के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध किस राज्य में घटित हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं घटित हुई हैं। सर्वाधिक 56,000 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद चौथा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आसाम में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएँ सामने आई हैं। नेक्स्ट आगे इम्पोर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़ है ये। 80th नाम सम्मिट यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट सम्मिट कब और कहाँ हुई? तो यह सम्मिट 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में हुई। याद कर लीजिए, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को बाकू अजरबैजान में 80th नाम सम्मिट आयोजित हुई। आगे बढ़ें, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP में भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है फीड आवर फ्यूचर, और यह प्रोग्राम महाराष्ट्र के मुंबई ऑफिस, फेसबुक के मुंबई ऑफिस से लॉन्च किया गया। ये शायद दोबारा न्यूज़ आ गई है, सॉरी फॉर दिस, ये न्यूज़ दोबारा है, पर कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए, दोबारा रिपीट हो गया। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये कि भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है। तो फीड अवर फ्यूचर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र मुंबई ऑफिस, फेसबुक के मुंबई ऑफिस से।
आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए किन्हें नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को भारत की लक्ष्मी पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ें, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बनाया गया है, और ये 23 अक्टूबर को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। ये सौरभ गांगुली की फ़ोटो है, सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि 23 अक्टूबर को पदभार संभाल लेंगे, यानी संभाल चुके हैं अब तक। आगे जानते हैं बीसीसीआई का फुल फॉर्म, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं बीसीसीआई से रिलेटेड। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स एक साथ लिख लिए हैं। तो आगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, नया ऊर्जा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया ऊर्जा सचिव आईएएस ऑफिसर संजीव नंदन सहाय को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी का चेयरमैन आईएएस ऑफिसर बीआर शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, गृह मंत्रालय सड़क प्रबंधन विभाग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएएस ऑफिसर नागेंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में पॉलिसी एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक मलिक को नियुक्त किया गया है। तो ये चार अपॉइंटमेंट्स हो गई, इनको कैसे याद करना है इसके लिए देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट याद करेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। सबसे पहले क्या करिए, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिनके उनका नाम याद कर लीजिए। चार नाम आते हैं, संजीव नंदन सहाय, बी आर शर्मा, नागेंद्र नाथ सिन्हा और अशोक मलिक। कौन कौन है? आईएएस ऑफिसर संजीव नंदन सहाय, आईएएस ऑफिसर बी आर शर्मा, आईएएस ऑफिसर नागेंद्र नाथ सिन्हा और अशोक मलिक। चार नाम याद हो गए। तो पहला नाम है संजीव नंदन सहाय, ये किसके हैं? तो इधर आ जाइए, पहला क्या था, ऊर्जा सचिव, संजीव नंदन सहाय ऊर्जा सचिव के, सॉरी हाँ, ऊर्जा सचिव नियुक्त हुए हैं। बी आर शर्मा ये एसएससी के चेयरमैन, नागेंद्र सिन्हा सड़क प्रबंधन विभाग के चेयरमैन और अशोक मलिक पॉलिसी एडवाइज़र। याद हो गया, संजीव नंदन सहाय नए ऊर्जा सचिव हो गए, बी आर शर्मा एसएससी के चेयरमैन हो गए, नागेंद्र नाथ सिन्हा सड़क प्रबंधन विभाग के चेयरमैन हो गए और अशोक मलिक पॉलिसी एडवाइज़र हो गए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में। तो इस तरह से याद करिए, शॉर्ट ट्रिक है ये, एक तरह से सिंपल तरीका है, और इस तरह से याद करने पर आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा, ये गारंटेड है। तो पहले आप चारों लोगों के नाम याद कर लीजिए, फिर उनके पद याद कर लीजिए। संजीव नंदन सहाय नए ऊर्जा सचिव, न्यू ऊर्जा सचिव, बी आर शर्मा एसएससी के चेयरमैन, नागेंद्र नाथ सिन्हा सड़क प्रबंधन विभाग के चेयरमैन और अशोक मलिक पॉलिसी एडवाइज़र। आगे बढ़ते हैं, तो और कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी हाल ही में? तो भारत सरकार ने UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सीईओ किसे चुना है? तो नया सीईओ पंकज कुमार को चुना है, UIDAI का नया सीईओ पंकज कुमार, और UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे में भारत का अगला राजदूत किसे चुना गया है, यानी कि अम्बेसडर किसे चुना गया है? तो गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास को भारत का अगला अम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट अपॉइंटमेंट है, अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के प्लेयर
ग्रेम स्मिथ को किस क्रिकेट क्लब का ऑनरेरी लाइफ मेंबर नियुक्त किया गया है? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी क्लब में ग्रेम स्मिथ को ऑनरेरी लाइफ मेंबर नियुक्त किया है। ये चार अपॉइंटमेंट्स और हो गई, इनको भी वैसे याद कर लीजिए। पहले आप पर्सन याद कर लीजिए, पवन कुमार हो गया एसबीआई के चेयरमैन, रजनीश कुमार, गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवासन और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो पंकज कुमार को बनाया गया यूआईडीएआई का सीईओ, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार को बनाया गया है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, और गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास को बनाया गया है भारत का अगला राजदूत। कहाँ किसके लिए कहाँ बनाया गया है? रिपब्लिक ऑफ काबो वाड़े में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास को बनाया गया है। और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के मेंबर नियुक्त हुए हैं ग्रेम्स स्मिथ, और ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। तो सारे आपको अपॉइंटमेंट याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अवार्ड्स रह गए हैं। तो पहला अवार्ड है एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड 2019 विनिंग लिस्ट। तो बेस्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया का अवार्ड किसे गया है? तो गली बॉय को बेस्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया का अवार्ड दिया गया है एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2019 में। और इस गली बॉय के एक्टर हैं रणवीर सिंह और एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल प्रोग्राम, ये सारे अवार्ड गए हैं नेटफ्लिक्स सीरीज दिल्ली क्राइम को। दिल्ली क्राइम ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी जीता है, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी जीता है, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल प्रोग्राम का अवार्ड भी जीता है दिल्ली क्राइम ने, जो कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। और ये सारे अवार्ड कहाँ जीते हैं? एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2019 में। आपको याद रखना है कि बेस्ट फिल्म फ्रॉम इंडिया का अवार्ड गली बॉय को गया है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल प्रोग्राम नेटफ्लिक्स सीरीज दिल्ली क्राइम को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट अवार्ड है और लास्ट न्यूज़ है 22 और 23 अक्टूबर की। 2019 पीपल्स चॉइस अवार्ड में पीपल्स आइकन अवार्ड 2019 किसको प्रदान किया गया? तो जेनिफर एनिस्टन को, जो कि अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, पीपल्स आइकन अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। ये जेनिफर एस्टन की फ़ोटो है, और ये जेनिफर एस्टन टोटल 7 बार पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत चुकी हैं, और ये बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने ये अवार्ड 7 बार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो 22 और 23 अक्टूबर की करंट अफेयर आज यहीं पर समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो फिर कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।